एमपी में जहाँ पे हमने जब उज्जैन में हमने शूट किया तो वहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं वो भी बड़े बढ़िया हैं। तो एमपी का थिएटर सर्किट जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी एक मेरे देश की धरती करके फिल्म है वो करी और वहाँ पे भी मुझे जीजे उस टाइम था तो आई रियलाइज कि एमपी में बहुत अच्छा थिएटर होता है एंड देर आर वेरी गुड आर्टिस्ट देर। तो वो करने में बड़ा मज़ा आया था। महाकाल की नगरी है तो यू नो वहाँ पे एक ब्लेसिंग एक स्पिरिचुअल जो जो चीज़ होती है आपके आसपास आप महसूस कर सकते हैं उसको। खाने पीने का मज़ा हर चीज़ वो ऑल सब मज़ा ही था। और दूसरा ये कि ये जो मंगेश ने शुरुआत में बताया कि ये कहानी जो उनके बहुत नज़दीक है उनके पिताजी जो हैं वो बीमार रहे सालों साल तक और उनकी पैरालिसिस था एक तरफ उनका और उनकी बताते हैं कि वो माँ जो उनसे 10 साल उम्र में छोटी थी और ये उनको नहलाना धुलाना उनके सारे जो नित्य कर्म हैं वो करवाना तो ये उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा एक कपल के एक होता है उन्होंने वो मंगेश खुद बोलते हैं कि वो एक पति अगर चला जाए तो वो मालूम चलता है कि हाँ वो चला गया है अब वो एक स्टोरी को दी एंड हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप 15-20 साल तक एक व्यक्ति जिस जो अक्षम है जो नहीं कर पा रहा अपनी दैनिक जो अपने काम है जो और उसको दूसरा उसकी उसका पार्टनर कर रहा है तो उन्होंने बड़े नज़दीक से इस चीज़ को देखा और महसूस किया आत्मसात किया और उसके बाद उन्होंने कहानी लिखी है। और उनका कहना है कि क्योंकि अगर बहुत गंभीर और नीरस तरीके से कहानी कही जाएगी तो लोग शायद उसको पसंद ना करें तो उन्होंने उसको थोड़ा सा शुगर कोटिंग किया थोड़ा पारिवारिक माहौल दिखाया थोड़ा सा नटखट जो कैरेक्टर है दिव्यंदु का उसमें उसको लेकर आए। तो मुझे लगता है कि ये उस तरह से दर्शकों को के दिल को जरूर छुएगी। और कॉमेडी जो है ना इस फिल्म की वो देख के इतना मजा आएगा आपको क्योंकि कुछ ओल्ड स्कूल जैसी फिल्में होती थी ना हमारी रिशिदा की फिल्में बासु चटर्जी की फिल्में वो कुछ याद आएगा। हमारी कॉमेडी इन योर फेस कॉमेडी नहीं है लेकिन गुलगुली करेगी आपको कहीं ना कहीं तो वो एक बड़ी वो जो सुर है कॉमेडी का वो बड़े टाइम बाद शायद किसी ने इतना प्यारे तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे चुटकुले बोले जा रहे हैं सिचुएशन जो इतनी फनी बन के निकल आई है वो बड़ा मनोरंजक। ठीक है कर सकते हैं। कॉमेडी से याद आया जी आई डोंट नो कि सोशल मीडिया पर आप लोग कितने एक्टिव हैं कि नहीं। मैं ऐसे कुछ कमेंट्स भी देख रहा था इंटरव्यू से पहले क्योंकि कॉमेडी का आपने मुद्दा कुछ एक का कहना है कि इसमें जो है सेक्स कॉमेडी भी है कुछ एक उस पर डिबेट भी है कि नहीं नहीं आपके मेंटालिटी को सुधारिए सेक्स कॉमेडी नहीं है नहीं मेरी नज़र में हमने पर अब दिखाइए कहाँ लिखा मैं हमें मैं हमारी नज़र में नहीं आया क्योंकि हम तो मैं तो YouTube और Instagram पे लगातार मेरी नज़र है और मेरी टीम जो है वो लगातार नज़र बना के रखी रही है कि क्या लोग इस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और 99% जो मुझे जो निजी तौर पे फीडबैक मिल रहा है लोग बहुत उत्साहित हैं लोगों नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा है ही नहीं मैं नहीं मानता इसको क्योंकि अभी जैसे मैं अहमदाबाद में एक शूटिंग के लिए था वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया वहाँ पर मैंने लोगों से को सूचित किया कि भाई मैं 11 नवंबर को मेरी एक फिल्म आ रही है क्योंकि छोटी फिल्म है उस तरह से इसके अंदर ग्लैमर नहीं है स्टार नहीं है तो आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाए। तो जिन भी लोगों से मैंने बात की ज़्यादातर लोगों ने बोला कि अरे आप लोग ये बड़ी अलग और अनूठी कहानी लेकर आ रहे हैं और हम लोग इसको ज़रूर थिएटर में देखने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस आज की बड़ी परिपक्व है और ये जो आप कह रहे हैं शायद एकाद कोई एलिमेंट होगा तो बेस्ट उसके और ये वो लोग ना करी जाए। हाँ तो ये सर मुझे लगता है ये और ये वो लोग होते हैं जिनके जो हैंडल का नाम होता है 05012 और जिसके ऊपर कुछ और तस्वीर होती है ये अलग किस्म की दुनिया है उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है मैं नहीं चाहता। बड़े हम लोग बड़े उत्साहित हैं और बहुत अभी परसों ही मेरे एक फैमिली से मुलाकात हुई अगेन एक रेस्टोरेंट में था मुंबई में और उनको वो मजामा के बारे में बात की उन्होंने और बधाइयों के बारे में बात की और बोले अरे आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और ऐसी ऐसा फीडबैक मिलता है दिव्यंदु कि ऐसा लगता है कि हमारे बीच से कोई जाके सिनेमा में काम कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि सर हम एक ऐसी उसमें वो 65 साल के एक सज्जन थे उनको मैंने बताया कि एक फिल्म आ रही है थाई मसाज जो एक 70 बरस के एक आदमी कहानी है और वो थाईलैंड जाता अरे क्या बात है जरूर देखने जाएंगे हम लोग। कहीं पे भी उसमें उनके कमेंट में कहीं ऐसा नहीं था कि
एक डिग्रेड किया जा रहा है या उनको लग रहा कि हम लोग कुछ खराब सिनेमा बनाने वाले हैं. ऑडियंस बहुत समझदार हो गई, उनको समझ में आता है कि नियत क्या है, क्या है. एंड जीजे ऑल्सो मुझे लगता है कि आज से पहले कभी 70 ईयर ओल्ड ये उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है सिनेमा में, बहुत ज्यादा मिला होगा. लेकिन इस कहानी को जब आप देखते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आता है, आपको उसके पीछे की भावनाएं समझ आती है. आत्माराम दुबे जिस आदमी का नाम है, इसने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जी है. ये शायद भारत का हर दूसरा आदमी है, पूरी जिंदगी काम करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, शादी करता है, अपने बारे में कभी सोचता नहीं है. एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी जब भी उसने सारी चीजें पूरी कर ली, उसकी कुछ मासूम सी इच्छाएं सिर्फ उसके बारे में. चलिए 11th ऑफ नवंबर को ये यस जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कुछ कहेंगे आप ऑडियंस को कि जाएं? मतलब हम तो यही ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमने जो आज ऑडियंस जिस तरह की कहानी के बारे में बात करती है और जैसे बोलती है कि फॉर्मूला फिल्म से ऊब चुकी है, लीक से हट कर कुछ कहानी होनी चाहिए, मंगेश और हमने मिलकर ऐसी कहानी बनाई है और आप जाएं, हमें एक मौका दें, ऑडिटोरियम में जाएं, थिएटर में जाके देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो उसका विस्तार करें इस बात का, लोगों से कहें और नहीं लगे तब भी हमें बताएं ताकि हम लोग अपनी जो कमियां हैं उसको बेहतर बना सकें. बिल्कुल बट जाइए, प्लीज़ ज़रूर जाइए, परिवार के साथ जाइए, बहुत मज़ा आएगा. बड़ी मज़े की कॉमेडी है, सब स्ट्रेस व्रेस भूल जाओगे लाइफ का और इंडिया में बैठे बैठे थाईलैंड भी घूम लेंगे आप. तो प्लीज़ 11 नवंबर को जाइए. थैंक यू. थैंक यू.